सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर वर्कशॉप, दैट इज कार्पेंट्री। आप लोगों ने सबने बहुत बार इसको सुना होगा एंड वी हैव यूज्ड इट इन अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। इट हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट एज वेल एज यूटिलिटी इन अवर डे टू डे लाइफ। सो वी शुड नो दैट वॉट इट इज and what are the basic tools which we are using in this carpentry, as well as we will know that what are the different operations and what care should be taken while doing practice in carpentry shop. Okay, so first of all we should know that what is carpentry. I hope all of you have heard of this name earlier also. Hindi mein yadi hum bolte hain to isko hum badai giri bolte hain. Basically carpentry is a process of shaping timber using hand tools. तो आपने देखा होगा कि जितने भी लकड़ी पे काम होते हैं वो सारे आप क्या करते हैं, हाथ के टूल्स ज्यादातर उसमें यूज करते हैं। बट एज अ पासिंग ऑफ टाइम नाउ मशीन्स आर कमिंग अप, बहुत सारी मशीन्स हर चीज के लिए आ गई हैं। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस यूज सच एज डोर्स, विंडोज, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, पैटर्न्स ऑफ मोल्ड्स इन फाउंड्रीज एटसेट्रा। कार्पेंट्री वर्क्स मेनली इन्वॉल्व्स द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ वुड पीसेस एंड फिनिशिंग द सरफेस आफ्टर शार्पनिंग देम। तो देखिए जो सबसे मेन जो रोल है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के अंदर में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब जब आप घर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, ये सारी चीजों में आप लोग यूज करते हैं। प्लस यदि आप फाउंड्री जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, हमने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था, तो हम एक पैटर्न बनाते हैं, वुड का एक पैटर्न बनाते हैं जो बिल्कुल वैसा ही होता है जो हमें ओरिजिनल मेटल का पोर्शन चाहिए। तो हम वुड पे आसान होता है काम करना, तो हम वुड से वो बनाते हैं और उसके बाद उसी से हम कैविटी बनाते हैं, मोल्ड कैविटी, और उसके अंदर हम फिर लास्ट में जो भी हमारा मेटल है उसको पिघला करके हम उसमें डालते हैं और हम वो शेप ले लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पैटर्न। फॉर दैट ऑल्सो वी रिक्वायर्ड वुड। अ स्टूडेंट स्टडिंग फंडामेंटल्स ऑफ वुड वर्किंग हैज टू नो अबाउट टिम्बर एंड अदर कार्पेंट्री मटेरियल्स, वुड वर्किंग टूल्स, कार्पेंट्री ऑपरेशंस एंड द मेथड ऑफ मेकिंग कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो हमें ये सारी चीजें एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर पढ़नी पड़ेंगी कि कौन कौन सी टिम्बर होती है। टिम्बर मतलब लकड़ी। तो लकड़ी हम कौन कौन से टाइप्स की यूज करते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से कार्पेंट्री मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऐसे सारे टूल्स की बात करेंगे, उन सब में बार बार उनको यूज करते हैं अलग अलग ऑपरेशन के लिए। कार्पेंट्री में बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, और जो जॉइंट्स होते हैं वो कितनी तरह के हम जॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उनमें से काफी को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है मटेरियल्स यूज्ड इन कार्पेंट्री। तो मटेरियल जब हम कार्पेंट्री शॉप की बात करेंगे तो हमारे को सबसे पहली जो बात याद आएगी वो क्या आएगी, वुड। लकड़ी के बिना हम कार्पेंट्री शुरू नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो चीज है वो है हमारे पास वुड या टिम्बर। तो हम लोग जनरल भाषा में इसको लकड़ी बोलते हैं या टिम्बर बोलते हैं, और इसी का एक जो एडवांस फॉर्म है जो कि सिर्फ लकड़ी नहीं है, लकड़ी का आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल रूप है, वो है प्लाईवुड। तो प्लाईवुड को भी हम काम में लेते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में वार्डरोब से लेके फर्नीचर्स जो सारे बने हैं वो सब प्लाईवुड के बने हुए हैं। देन वी हैव ऑक्सिलरी मटेरियल्स यूज्ड एज नेल्स, स्क्रू, एब्रेसिव, पेंट, वार्निश, ये सब हम लोग एडिशनली यूज करते हैं लकड़ी के अलावा टू जॉइन देम और टू मेक देम फिनिश। तो हम लोग स्क्रू यूज करते हैं, नेल्स भी यूज करते हैं कई बार, और चिपकाने के लिए एडेसिव्स यूज करते हैं, फिर हम लोग फाइनली पेंट कोट करते हैं उसके ऊपर में, और हम लोग यदि वीनियर वगैरह है तो हम उस पर वार्निश करते हैं, उससे वो ग्लो बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टिम्बर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है यदि हम कार्पेंट्री में देखें तो वो है लकड़ी, और लकड़ी कितनी तरह की होती है, कहाँ कहाँ से मिल सकती है, वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। सो द टिम्बर इज अ नेम गिवन टू वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रोजीनियस आउटवर्ड ग्रोइंग ट्रीज। तो जो भी बाहर हमारे ट्रीज ग्रो होते हैं वहां से जो हम लोगों को वुड मिलती है उसको हम टिम्बर बोलते हैं। ओके, इन दीज ट्रीज द ग्रोथ इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर बाय एडिंग ऑलमोस्ट कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ फ्रेश वुड एवरी ईयर। आपने देखा होगा स्कूल टाइम में भी कि यदि हम वुड को बीच में से काटते हैं, किसी भी पेड़ को बीच में से काटते हैं, तो हमें रिंग्स नजर आती हैं, और वो रिंग्स अंदर से बाहर की तरफ ग्रेजुअली बढ़ती हैं, और ये जो रिंग्स होती हैं हम इनको कई बार गिन करके ये पता लगा सकते हैं कि उस ट्री की एज कितनी है, बिकॉज एवरी ईयर इट विल फॉर्म वन रिंग। तो हर साल की एक रिंग होती है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसकी लाइफ कितनी है, ठीक है, बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स। After the full growth, these trees are cut and sawed to convert into rectangular sections. Okay, so जैसे ही आपका जो tree होता है वो grown up हो जाता है, उसकी age कह सकते हैं, वो mature हो जाती है, तो हम उन trees को cut कर लेते हैं, और cut करने के बाद जो उसका cylindrical portion है, जो trunk होता है, उसको हम क्या करते हैं, rectangular sections में cut कर लेते हैं, ठीक है। Timber is available in market in various shapes and sizes. The common shape and size are given below.
तो देखेंगे आप कि आपको अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग लकड़ी की जरूरत पड़ती है और वो अलग अलग शेप और साइज के अंदर में मार्केट में अवेलेबल होती है। तो उनमें से सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट इज कॉल्ड लॉग, तो हम बोलते हैं वुडन लॉग है, ठीक है। दिस इज द ट्रंक ऑफ डाइट ट्री विच इज फ्री फ्रॉम ब्रांचेस। तो हम क्या करते हैं, जो भी ट्रंक होता है, जो मेन उसका पार्ट होता है ट्री का, हम उसको कट कर लेते हैं। काफी हैवी होता है और बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड लॉग, ठीक है, वुडन लॉग जिसको हम बोलते हैं। देन वी हैव बल्क, दिस इज द लॉग आफ्टर शोइंग रफली टू स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो ट्रंक होता है, लॉग होता है, उसको हम लोग यदि जो मशीन होती है उसके थ्रू यदि हम उसको रेक्टेंगुलर शेप दे देते हैं और चारों तरफ से कट करके, और लेंथ उसकी ज्यादा होती है लेकिन क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर रहता है, स्क्वायर शेप में रहता है। देन वी हैव डील, दिस इज द लॉग आफ्टर शिविंग इनटू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ विड्थ 225 mm एंड थिकनेस अप टू 100 mm। तो देखिए जो हम लकड़ी के पुट्ठे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उस तरीके की जो होती है, जो वुडन प्लैंक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डील। देन प्लैंक, दिस इज द टिम्बर पीस हैविंग विड्थ मोर देन 275 mm एंड थिकनेस अराउंड 50 to 150 mm। तो जो वुडन प्लैंक्स होते हैं वो आप लोग घरों में काफी काम में लेते हैं या फिर कई फर्नीचर बनाने में काम में लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा काम में आता है हम लोग जो देखते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट इज वुडन प्लैंक्स, ओके। देन वी हैव बोर्ड्स, तो बोर्ड्स में क्या होता है कि उसकी विड्थ ज्यादा होनी चाहिए और थिकनेस कम होनी चाहिए। सो हेयर रफली यदि हम बात करें तो 50 mm तक की थिकनेस हम काम में लेते हैं, उससे नीचे ही होनी चाहिए तभी हम उसको थिकनेस को कम बोल सकते हैं, और जो उसकी विड्थ होती है वो अबाउ 125 mm होनी चाहिए, देन वी कैन कॉल इट बोर्ड। देन बैटन एंड स्केलिंग्स, ये हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे बिकॉज दे आर नॉट यूज वेरी मच। अब हम जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वुड। यदि हम वुड को क्लासिफाई करें कि कितनी टाइप्स की वुड होती है, तो हम देखेंगे दो तरह की मेजरली जो वुड होती है वो होती है सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। एक होती है जिसपे काम करना आसान होता है, काफी सॉफ्ट होती है, और दूसरी होती है हार्ड वुड जो हम लोग फर्नीचर्स वगैरह में काम में लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें सॉफ्ट वुड की, तो सॉफ्ट वुड हैव लाइट कलर एंड इट्स वेट इज ऑल्सो लो। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो कि जिनकी जो वुड होती है वो काफी सॉफ्ट होती है। दे मे हैव डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स बट द मेडुलर रेज, जो रेडियल लाइंस है जो अंदर से बाहर की तरफ में निकल रही हैं, आर नॉट विजिबल एंड द कलर ऑफ द सैप वुड आउटर लेयर इज नॉट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द हर्ट वुड इनर लेयर। दीज वुड्स कैन नॉट रेजिस्ट स्ट्रेस डेवलपमेंट अक्रॉस देयर फाइबर्स, हेंस नॉट सुटेबल फॉर वुड वर्किंग। तो ये वाली जो वुड्स होती हैं इसमें क्या होता है, कलर आप देखेंगे आउटर का जो होगा वो भी लाइटर होगा और इनर का भी आपको लाइटर मिलेगा, और जो ये वाली वुड होगी इसको आप बहुत ज्यादा काम में नहीं ले पाते, ये बहुत ही स्पेसिफिक काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप देखेंगे मैच स्टिक होती है जिससे आप माचिस बनाते हैं, वो बहुत सॉफ्ट वुड होती है। इसी तरह से बहुत सारे और ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर हमें सॉफ्ट वुड चाहिए। मान लीजिए आप कार्विंग कर रहे हैं, आप कुछ कोई मूर्ति बना रहे हैं या फिर आप कुछ नक्काशी कर रहे हैं, वहां पर आपको सॉफ्ट वुड चाहिए, लेकिन वो आपकी ज्यादा लोड नहीं ले सकती है, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी यूज इन डे टू डे लाइफ फॉर नॉर्मल फर्नीचर वर्क्स। इसी तरह से दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड हार्ड वुड। इन दिस टाइप ऑफ वुड द एनुलर रिंग्स आर कॉम्पैक्ट एंड थिन एंड द मॉडुलर रेज, जो रेडियल लाइन है उसको हम मॉडुलर रेज बोलते हैं, आर विजिबल इन मोस्ट केसेस। तो आप देखेंगे, आपने कभी फर्नीचर देखा होगा तो उसमें एक सर्कुलर रिंग्स तो दिखती है, साथ में जो सेंटर से बाहर की तरफ निकल रही है वो रिंग्स भी आपको दिखती है, दे आर रेडियल लाइन्स, ओके। हार्ड वुड्स आर नियरली इक्वली स्ट्रॉन्ग बोथ अलोंग एंड अक्रॉस द फाइबर्स। इसकी खास बात क्या है कि यदि आप मान लीजिए दो तरह से पेड़ को यूज कर सकते हैं, पेड़ के फर्नीचर को यूज कर सकते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनली और क्रॉसवाइज। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है, जिस तरह से ग्रेन जा रहे हैं, मान लीजिए आपने यदि पेड़ का तना देखा तो नीचे से ऊपर की तरफ में ग्रेन जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ में कैपिलरीज जाएंगी। तो यदि आप चाहें तो उसको आप उस डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कैपिलरी के अगेंस्ट आप लोड लगा सकते हैं, और यदि आप उसको लेटा दें, आप उसको लॉन्गिट्यूडनली लेता दें और अक्रॉस यदि उस पर लोड लगाए तो भी आप उसको काम में ले सकते हैं। तो हार्डवुड में आप दोनों साइड पे ही इक्वल स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। तो क्लासिफिकेशन के अंदर में हम बेसिकली देखें तो दो क्लासिफिकेशन है, एस्ट्रोजीनियस जो आउटवर्ड ग्रोइंग होता है, और एक होता है एंडोजीनियस जिसमें इनवर्ड ग्रोइंग होती है, ठीक है।